Hey guys, ये लोग देखो, say hi. मैं ना ऐसी हालत में वो लिखने जा रहा हूँ, बाल नहीं बिगाड़ने मेरे को. और वो लोग ना ऊपर तक आ गए थे, पर मैंने ना कैसे भी करके उसको भगा दिया. अब यहाँ से मैं आज इस बार तो होली खेलनी है, अब मैं नीचे ही जा रहा हूँ खेलने के लिए. अभी ना गाइस, ये लोग ना मेरी राह देख रहे हैं, मेरे को ऊपर से ना बुला रहे हैं, भाई नीचे आ जा. और सारी प्रिपरेशन की रखी है, देखो सबके हाथ में कलर है, सब ने ना पूरा प्रिपेयर हो रखा है. और फिर अचानक से ना, तब ये ट्रैक्टर वाला कहाँ से प्रकट हो जाता है ना, वो अच्छी बात रहती है. क्योंकि सारा जो प्लान मेरे को बिगाड़ने वाला का एग्जीक्यूट करने का सोचा था ना, वो इस पे सारा प्लान इन लोगों का चला जाता है. बट फिर वो ठीक ही है, क्योंकि मैं ना थोड़ा बहुत बच जाता हूँ वो पूरा हरा होने से, या फिर पूरा कोई भी गंदा होने से, ठीक है. बट जैसे ही वो ट्रैक्टर वाला वहाँ से निकलता है ना भाई, उसी समय मैं आता हूँ. भाई ये प्योरली कोइंसिडेंस था, मेरे को पता नहीं था, मैं जानबूझ के ऐसा नहीं किया था. और मैं फिर सबको वार्न करता हूँ, भाई मेरे को ना बाल नहीं बिगाड़ने, कोई ना बाल पे कलर मत करियो, वरना मैं होली नहीं खेल रहा मैं, ठीक है. टोपी पहन के टोपी मत निकालियो कोई, ठीक है. स्टार्टिंग में ना ये दोनों ना कोई ऐसी कोशिश नहीं करते, पर फिर यही कहाँ से अचानक से टपक पड़ता है ना ये यार येलो टी शर्ट वाला भैया, और पीछे दो थप्पे लगे ना, वो आता है और कहता है, ओए तू कौन होता है मेरे को रोकने वाला, मैं तो तेरी टोपी निकालूंगा और वहीं पे कलर करूंगा. बट ही ऑल्सो वुडन्ट मेक इट. बट तब ना यार मेरी आँख में कलर चला जाता है, और मैं उसको बोलता हूँ, यार प्लीज़ यार रहने दो, आँख में कलर गया है, थोड़ा तो समझो यार, देख नहीं सकता मैं. बट फिर भी वो लोग लगे रहे, मतलब कि आज ना पूरा इसको बिगाड़ के ही छोड़ेंगे. आँख बाग गई तेल लेने, तू भाई आज चू गया. और फिर ये जो है ना, ये पीली टी शर्ट वाले भैया, वो फिर से आते हैं, मेरे को बोलते, यार मैं तो रह गया यार, मैंने तो कलर ही नहीं किया, मैं तो टोपी निकाल रहा था. मैंने कहा, भाई पहले आँख में से कलर निकाल लियो, फिर तेरे तूने मुझे ना रंग देना, ठीक है. फिर अभी ना वो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे हैं, वो आँख में से कलर निकालने में पानी छिड़क रहे, बट फिर भी टोपी निकालनी है उसको. मैंने उसे बोला, भाई रहने देना. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही माइट बी थिंकिंग दैट आई वॉन्ट एबल टू सी एनीथिंग, बट आई वॉज प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड ओवर हियर, सो आई रैन अवे फ्रॉम देयर. आई जस्ट थॉट कि नाउ आई शुड एंड द शो ऑफ विक्टिम कार्ड, बट उसी वक्त यार मुकुंद ने ना देखो कलर डाल दिया. और ये जो बंदा आप देख रहे हो ना, पानी की बोतल से डालने आ रहा है, वो ना पानी पूरी की पेस्ट डाल रहा है. उस वक्त मेरे को पता होता ना, वो पेस्ट है, वो उसकी डाल देता मैं. एट द सेम मोमेंट माई अदर फ्रेंड्स ऑल्सो अराइव्ड. मैंने सोचा कि भाई चलो अब तक गए, ठीक है, क्योंकि अभी मुकुंद ने कलर किया, इसने कलर किया, आँख में गया, विक्टिम कार्ड प्ले किया, और यहाँ पे तो कुछ प्ले प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम लगाने वाले होते ना, वो तो लगाते और आके लगाया पूरा कलर. और भाई मेरे को जो मोर बनाया है ना इन लोगों ने, सारे अलग अलग कलर डाल के ना मोर बना दिया. और फिर तब कब से मुझ पे ही सब लोग कलर कर रहे थे, मैंने तो किसी को कलर ही नहीं किया था, क्योंकि मैं ऊपर से ऐसे नीचे खाली आया था, और सारे कलर जो ना ये जो शॉप देख रहे हो ना आप, वहीं पे थे. तो मैंने उसको बोला, भाई मेरे को भी थोड़े कलर दे, मुझे को भी होली खेलनी है. फिर मैंने उससे थोड़े कलर लिए, देखो ले रहा हूँ मैं, और उसको लगाया फिर थोड़ा बहुत. और इतने में तो क्या होता है, फिर थोड़ी देर बाद वो लोग भी चले गए वहाँ से. ये देखो अभी भी शांति नहीं है, इसको अभी भी कलर लगाना है. भाई शांति रख ले भाई थोड़ी बहुत. तो अभी ना थोड़ी देर बाद ये लोग भी चले जाते हैं यहाँ से, और हम लोग भी कहीं दूसरी जगह पे होली खेलने के लिए चले जाते हैं. इसके बाद ना ये सीन है पूरा यार, ये तो मैं पहन के गया था, क्योंकि ना अभी बाल ना बिगड़े, पर फिर भी थोड़े बहुत बिगड़ गए यार इसके अंदर से. और बहुत भूख लगी यार, सुबह जिम करके आया था, और मैंने फिर ना प्रोटीन शेक जो है ना मेरा, वो भी नहीं पिया था, सो बना था यार बहुत भूख लगी. अभी ये ओट भी ख़त्म हो गए, ओट मील भी नहीं बनाया, तो अभी सिर्फ ये स्मूदी से ही काम चलाना पड़ेगा. यहाँ पे देखो थोड़ा कलर रह गया है, यहाँ पे थोड़ा सा, बाकी ठीक है. इस बार की होली ना भाई मज़ा भी आ गया. 2 या 3 साल बाद यार ऐसी होली खेली है, पूरी ऐसी खतरनाक सी होली खेली, भाई मज़ा आ गया यार इस बार की होली में. और सबसे पहले तो ना वो लोग ना, वो मैंने जो टोपी पहनी थी ना,
वो निकाल के मेरे ऊपर डाल, वो निकाल के कलर डाल, मैंने कहा भाई प्लीज यार रहने दे यार मत करना यार। तो फिर कोई बात नहीं, वो अप्रिशिएट किया उन्होंने कि कोई बात नहीं चल ठीक है वैसे ही टोपी तो ठीक है वैसे ही तेरे को कलर लगा देते। तो फिर वैसे ही कलर वलर लगा सब हुआ। और उसके बाद क्या हुआ गाइस, हम ना हम लोग ना फिर वहाँ पे गए वो मुकुंद के घर पे गए ठीक है। तो उधर उसके घर पे गए ना तो सब लोगों ने वो बलून्स ला रखे थे लोगों ने। अरे एक बंदे ने मेरे को भाई बलून जो मारा है ना मेरे ट्राइसेप पे मारा है, इतना जोर से मारा है ना मेरे को अभी भी पेन हो रहा है यार वहाँ पे बलून इतना जोर से पेन इतना जोर से मारा है यार। फिर हाथों से कर लेते क्योंकि यार बलून से कौन खेलता है छोटे बच्चे खेलते। बट फिर भी हम ऐसा हुआ जैसे हम उधर गए, अभी तो गए बाइक पार्क की ठीक है, सट सट से एक बलून आके मेरे यहाँ पे लगा ट्राइसेप पे। मतलब कि तब तो जोश जोश में रहते हैं खेलने में, तब तो कुछ ऐसा कोई खास फील नहीं है। बट तब फिर हम जिन जिन को भी कलर लगाने गए ना फिर पता चले यार यहाँ पे कुछ लगा है, यहाँ पे कुछ लगा है। फिर ना आखिर में ना हमने ना हम लोग ना वहाँ पे गए थे तो याद आ गया गाइस। आखिर में ना गाइस हम लोग ना फिर मुकुंद के घर चले गए ठीक है। हाँ तो उधर ना ऐसे ऐसे स्ट्रीट थी तो वहाँ पे ना वो पानीपुरी की पेस्ट, फिर टर्मरिक पाउडर, फिर सब्जी पाउडर और फिर वो जितने कलर जो आखिर में बचे थे सारे ऐसे बाल्टी में डाल के भर के पूरा पेस्ट बनाया ठीक है। और फिर हमने भी ना वो बलून्स बनाए मतलब सी 25-30 जैसे बलून्स बन गए होंगे। फिर हमने भी ना भाई इतना मारा है ना यार उन लोगों जो भी आया ना सटा 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 मजा ही आ गया यार इस बार की होली में। तो सबसे मुश्किल पार्ट आता है ये कलर हो गया सब हो गया नहाने का वक्त लगा ना गाइस एक हफ्ते का ना साथ में नहा लिया। एक हफ्ते के लिए नहाने के लिए हम अगर छुट्टी भी लेना ना फिर भी चल जाते हैं ना। ये इतना 10-15 मिनट ही होली खेली थी फिर भी देखो इतना ऐसा हाल है इसका। अभी ना बहुत मशक्कत के बाद फाइनली हम उसकी फुटेज मिल गई है क्योंकि एक घंटा तो कम से कम लगा ही है इसमें। क्योंकि पहले ना ये पेन ड्राइव जो इधर आप ब्लैक कलर का बॉक्स देख रहे हो उधर डाली, उसमें से ये पेन ड्राइव वहाँ पे वो चल ही नहीं रही थी, वो रीड ही नहीं कर पाया था। बट फिर कैसे भी करके सेटअप किया, रीसेट किया, फिर रीड किया पेन ड्राइव को और फिर इसमें स्पेस रीड नहीं हो रही थी। और फिर फ़ोन में डाला उसके बाद सब लेके फिर से, तो फ़ोन में ना वो कट नहीं हो रहा था। बट अभी बहुत मशक्कत के बाद अभी मिला है और ये व्लॉग ना मैं आज के दिन अपलोड कर दूँगा। ये आप देख रहे हो ना उसकी, उसने बहुत हेल्प की हमारी ये इस फुटेज को लाने में। भले बीच में थोड़ी बहुत है ना एसी में सो रहा है, इंसानों को भी ऐसी नसीब नहीं होता, इसे हो गया। लोगों को गाइस कहीं जाना मत, एक इम्पोर्टेंट बात करनी है आप लोगों से कि पहले ना मैं जब यूट्यूब की वीडियोस देखता था ना तो ऐसा तो सब लोग बोलते थे कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे मिलती है हमें मोटिवेशन ठीक है। तो मैंने मुझे पहले लगता था क्या है यार ऐसे ही बोलता होगा, लाइक्स चाहिए होगी और सब्सक्राइब कर बढ़ाने होंगे। बट नाउ एज ए यूट्यूबर आई फील लाइक ना यार सही में वो फील आती है कि अगर आप के चैनल में लाइक्स आए और सब्सक्राइब भी करें ना कोई आपको ऐसा सही में ऐसा यू गेट दैट कीक यार आपको अंदर से ऐसा फील होता है। सो भाई जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं ना वो भी अभी कितना अभी थोड़ी देर पहले 83 सब्सक्राइबर है, सबको थैंक यू भाई सब्सक्राइब करने के लिए। और जितने भी व्यूवर्स जो है जिन्हें भी जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया है उसको भी थैंक यू यार क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे हो मेरा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। ये वीडियो आपको ना बहुत टाइम बाद मिल रही है होली की क्योंकि ना भाई वो मेरे को पता नहीं था कि वहाँ पे कैमराज है। और आखिरी में ना गाइस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक छोड़ रहा हूँ, वो वीडियो आप ज़रूर देखना, वो सॉइल की अवेयरनेस के बारे में है। सो आई जस्ट फील दैट यू ऑल गाइस शुड बी अवेयर अबाउट दिस सिचुएशन। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ रहा हूँ, प्लीज़ चेक इट आउट। एंड तब तक
के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बाय बाय।